हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी धंजल। और मैं रुकी वुड पैकर के साथ एक्चुअली। और मेरे सामने पूरा का पूरा कॉफ़ी फार्म है एंड यहाँ पे दो टाइप ऑफ कॉफ़ी जो है वो उगाई जा रही है। कौन कौन सी कॉफ़ी बता रहे हो? रोबस्टो शायद इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है ना, और वो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी में होती है। एक्चुअली अरबिका का डिमांड ज़्यादा है। अच्छा, अरबिका वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अरबिका है। कॉफ़ी में स्ट्रॉन्ग दोनों का सेम होता है, सिर्फ उसमें मेडिसिन और चिकोरी ऐड करने से उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। चिकोरी तो मैं बिल्कुल पीती नहीं हूँ। मैं तो पहले देखती हूँ। कॉफी जो है वो कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। अच्छा, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ज्यादा कॉफी डाल के अगर हम बनाएंगे तो उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। मैं चिकोरी पहले देखती हूँ कि कॉफी में चिकोरी तो नहीं है। ये चीज़ में बहुत नहीं, हमारे पास जो कॉफी है वो आपको 100% विदाउट चिकोरी। 5 rooms एक एटिक है। ओके, मतलब टोटल 6 rooms। टोटल 6 room है। और सामने हमारे सामने ये क्या बना हुआ है? ये ट्री हाउस है। ये ट्री हाउस है, 2 rooms है। और अभी ऑक्यूपाइड है पूरा ट्री हाउस। ऑक्यूपाइड है। है आलू का पराठा जो कि रमन का फेवरेट है, फ्रूट्स एंड ब्रेड, दही, पिकल एंड आज बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। सो वी हैव 5 places इन द माइंड। I'm gonna show you the property in this vlog and the places. Let's see हम क्या कवर कर पाते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं वुडपैकर के साथ रुकी हूँ। ये जो है ये ट्री आपका यूज़ होता है, ये बनायन ट्री। आई एम मिसिंग द वर्ड एक्चुअली। कौन सा ट्री है बता सकते हो रिकोगनाइज करके? बनाना ट्री। मगर ये जो पत्ते होते हैं ना ये यूज़ होते हैं, छोटे वाले बनाना ट्री है ये एक्चुअली। मैं बता देती हूँ। ये पत्ते आपके ना थाली में लगते हैं जब आप यहाँ पे कल्चर्ड फूड खाते हो। और ये तो आपको पता ही है, दिस इज़ एक्चुअली कॉफ़ी प्लांट्स। तो यहाँ पे इनका जो सामने है ना, ये ट्री हाउस है मेरे बिल्कुल सामने। ये रमन खड़ा है, इसको कैमरे से इग्नोर करना थोड़ा सा। सो हम ये जगह घूम के डिस्कवर कर रहे थे। ऊपर इनका एक जगह कैंडल लाइट डिनर होता है। आई शो यू दैट प्लेस ऑल्सो, क्योंकि अभी हम लोग नंगे पैर ही घूम रहे हैं। सो इट वॉज़ लाइक नो टू दैट प्लेस अभी। एंड यहाँ पे 2 rooms हैं इसके, क्या कहते हैं, ट्री हाउस में। एंड मेरे जो सामने, मतलब जो मैं जिसमें रुकी हूँ, वहाँ पे 5 rooms हैं। 5 room में से आपको जो भी अमाउंट आपको जाननी है वो आपको टाइम टू टाइम, सीजन चेंज होता है आपको पता होगा, होटल की अमाउंट चेंज होती है। सो यू कैन एक्चुअली गो टू द लिंक और इनको आप बात कर सकते हो इंस्टाग्राम के थ्रू। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन करूँ। सो गाइज, मैं हूँ इस वक्त अपर एरिया में। मेरे राइट साइड है किचन, नीचे कॉमन एरिया बैठने का। मेरे लेफ्ट साइड ऊपर एरिया में रूम है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप अपने 4 members के साथ आ रहे हो तो ये रूम वर्थ है रुकने के लिए। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे पूरा इंटीरियर इतना सही डेकोरेट करा हुआ है, एंड आई गेस मेरे को दोनों हाथ लगेंगे खोलने में। तो हेल्प करने वाले हो, वुडन वर्क। सो आई एम नॉट श्योर वुड पिकर इसका क्यों नाम रखा हुआ है, बट पूरा वुड से बना हुआ है। पर वुड पिक शेप ऐसी है। वुड पिकर तुम्हें पता है क्या है? वुड पैकर इज अ वर्ड जो कि वुड में छेद करता है। हाँ, तो ये वुड में घोंसला बनाता है बीचों बीच। तो दिस इज द बालकनी जहाँ से आप बहुत अच्छा व्यू देख सकते हो। दिस इज कॉमन विद द वुड्स एक्चुअली वुड नेचुरल होती है ऐसे। एंड इधर इज अ रीडिंग ऑप्शन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू रीड। सो ये बच्चा अपनी जिंदगी जी रहा है ना, तुम जिंदगी जी रहे हो ना अपनी, खुश हो तुम। तो भैया यहाँ पे केयर टेक कर रहे हैं। भैया खाना भी आप ही बनाते हो? अच्छा, कितनी बिल्लियाँ हैं यहाँ पे? इधर हमारे 4 बिल्ली रखा है। 4 बिल्ली रखा है जी, पक्षियों को पकाने के लिए। वो पक्षियों, तो 1 साल पहले तो ज्यादा सांप आता था। अच्छा, सांप रूम का अंदर आ जाता। अच्छा, तो बिल्लियाँ भगा देती हैं सांप जी। उधर सांप नहीं देखा बिल्लियाँ, जब से सही है भैया आपका। तो गाइस, मुझे नहीं पता था बिल्लियाँ सांप को भगा देती है। एक पेरी ये भागती है मुझसे। सो मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट रूम इनका, जो नीचे की तरफ है बिल्कुल। दिस इज वाओ, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो दिस इज अ ब्यूटीफुल रूम। पूरी वाइब ऑफ नेचर एंड विद द अटैच वॉशरूम। सो वैसे हम जा रहे हैं कुछ डेस्टिनेशंस कवर करने आज की,
और हमने अपना डे लेट स्टार्ट किया, जैसे हम बहुत ही एग्जॉस्टेड थे कल. सो रमन, आर यू एक्साइटेड टू सी कूर्ग? या बट थ्रू माय आईज, बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी सीन. रमन, ऐसा होता है तुम्हारे साथ, जैसे कोई जगह तुम डिस्कवर कर चुके हो तो मैं बहुत एक्साइटमेंट होगी अपने फ्रेंड को दिखाने में. जहाँ भी मैं एक बार चल जाता हूँ वहाँ दोबारा नहीं जाता. दिस इज सो हार्श गाइस, इसको दिल पे मत लेना. ट्रैवल इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं होता. ये फैशन इंडस्ट्री के लोगों ने क्या समझेंगे. चलो, सो वी आर हियर एट द कॉफी हाउस और हम इस वाले गाँव की लोकेशन में आए हैं बिकॉज दिस इज वेरी नियर एंड दिस इज अ बिग कप कैफे. दिस इज फेमस फॉर देयर ओन कॉफीज. सो आई आस्क्ड देम टू हेल्प मी विद दैट और दिस मग सो आई कैन टेक अ शूट. दैट्स देयर कॉफी मशीन्स एंड that things are not for sale. Different type of coffee machines. मैंने इतनी coffee machines एक साथ कभी नहीं देखी. That's all for the grinding purpose. और ये सारी की सारी grind करती है आपके coffee beans को, सारी की सारी almost grinding purpose के लिए. And this is somewhere I think so very old one. Don't you think कि it worth coming अब अंदर दे आके? They have their own history. Maybe. So they have the open restaurant जहाँ पे आप बाहर बैठ के अच्छे से कॉफ़ी सिप कर सकते हो, प्लस व्यू को भी इंजॉय कर सकते हो. उसके बाद वी वेंट फॉर द गोल्डन टेम्पल विच इज़ नोन एज नम द्रोलिंग मोनेस्ट्री बेसिकली. और हम बहुत लेट हो चुके थे. दिस इज़ एक्चुअली वेरी फार अवे from the place we were staying. और वो कॉफ़ी वाले एरिया से एटलीस्ट एक घंटा लगता है, मतलब 45 मिनट्स का ही नहीं जाते. बट दिस इज़ वर्थ गोइंग बिकॉज यहाँ पे क्या है, अच्छा फोटोग्राफी का तो सबको ही शौक है. दिस इज़ अ फोटोग्राफी प्लेस एंड फॉर मी एज अ टूरिस्ट आई सॉ कि यहाँ पर भी गौतम बुद्धा की हिस्ट्री है. सो वेन एवर आई विजिट अ मोनेस्ट्री आई ऑलवेज सी कि बुद्धा जी की हिस्ट्री हर जगह पर डिस्क्राइब्ड है. दूसरी चीज़ आई नोटिस कि आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है. आई मीन जो कलाकारी करी हुई है वो बहुत ही डिस्क्राइब्ड है. एंड ये कॉमन है अगर आप मोनेस्ट्री विजिट कर रहे हो ना, सो यू विल सी मास्क वाली कलाकारी तो आपको हर जगह मिलेगी. ऐसा नहीं है मुझे बुक का कुछ खास पसंद आया, बट वी वेंट बैक फॉर अ सिप ऑफ कॉफी अगेन. हाउ आर यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? It's good. I liked it. Yes. Oh. Yeah. Yeah, she loved it. So that's the dinner. And ये क्या है? This is mushrooms. I love mushrooms. And these are local mushrooms actually. And we got paneer ki itni sari sabji. I think we are can get it packed also. We have tiffin which is left because we are already late. This is chapati. और मुझे यहाँ का खाना बहुत अच्छा लगा. Do you like the food and the place? No doubt. So we love the place. We love the food. Love the area. आपको जगह कैसी लगी, क्या पसंद आया, प्लीज मुझे कमेंट करके बताओ. मैं सिर्फ 3 प्लेसेस ऐसी थी जो एक्सप्लोर कर पाई हूँ आज यहाँ पे बिकॉज आई वॉज वेरी एग्जॉस्टेड. सो सी यू नेक्स्ट टाइम बिकॉज दिस टाइम टू गो होम. घर जाते हुए क्या क्या हो रहा है, कितना पेट्रोल लग रहा है, यू कैन सी वॉचिंग नेक्स्ट व्लॉग. तो सी यू, बाय.